आपका पिंकी जी स्लो दिया बताएं क्या दिक्कत है पानी में। सर अभी ये टाइम मुझे लग रहा है 5:30 बज रहे हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं अभी जैसे ही सड़क से क्रॉस होती हूँ, मैं कहीं जा रही थी रास्ते में, तो मैंने सर देखा कि वहाँ पे पानी इतने ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं। मैं वीडियो बना के लाई हूँ तो सर पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सुबह अगर एक लाइन पे पानी 11 बजे आता है या 10 बजे आता है, वो शाम के 5:30 बजे तक अनयूजली ऐसे ही सड़कों पर बहता रहता है। उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं है। अगर एक एक या दो दो घंटे के अंतराल में हर लाइन पे पानी छोड़ा जाए, 3-4 लाइनों में पानी, वो उनकी जो दिक्कत है पानी की वो ठीक हो जाती है। और दूसरा सर जितने भी हैंड पंप्स हैं अगर वो भी ठीक करा दिए जाएं तो मुझे लग रहा है आधी प्रॉब्लम लोगों की ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अगर मानो एक दिन पानी आता है, 4-5 दिन नहीं आता है, लोगों को पीने के पानी की दिक्कत है। यूज़ करने के लिए तो लोग बारिश का पानी भी यूज़ कर लेते हैं, पर वो पियेंगे कहाँ से? तो ये मैंने देखा ये ज़्यादातर प्रॉब्लम गाँव में उतरी है, क्योंकि गांव में कोई पूछने वाला है नहीं है, तो पानी ऐसे ही वेस्टेज हो रहा है, जगह जगह पे लीकेज है। अगर माना ये 2 महीनों में एक लीकेज ठीक करते हैं तो सर एक साल में कम से कम 6 लीकेज ठीक होते हैं। 2 सालों में मुझे लग रहा है कि एक पंचायत पूरी की पूरी कवर हो जाती है, उसे लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो सर पानी ऐसे वेस्ट हो रहा है। और जो मैं आपको बड़ी सारी पाइप दिखाऊंगी, मैंने बड़ी सारी पाइप की वीडियो बनाई है एक ही लाइन में, वो जगह जगह से फटी हुई हैं। सारी गंदगी जब बारिश आती है सारी गंदगी उन पाइपों के अंदर भर जाती है, पर जब पीने के लिए पानी की जब वो सप्लाई आती है 4थे या 5वें दिन, जैसे सप्लाई आती है सबसे पहले गंदा पानी आता है उसमें। तो सिर्फ वही पानी कहाँ चले जाता है? टंकी के अंदर। उसी गंदे पानी से हम नहा रहे हैं, उसी गंदे पानी का हम बर्तन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और वही गंदा पानी हम पी रहे हैं। इस पानी की सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, कौन सी पंचायत है? मैं सर पलाही पंचायत की बात कर रही हूँ। यहाँ 4-5 बाड़ हैं, 4-5 बाड़ों में ही पानी की सप्लाई हो रही है। पिछले दिनों हम कुछ पठियारा की लेडीज़ लेके हम गए थे एडीसी सर के ऑफिस में। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई नहीं मैडम ठीक हो जाएगा, बट पानी की सप्लाई आज तक ठीक हुई है। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास बंदे नहीं हैं छोड़ने, पानी की सप्लाई छोड़ने के लिए बंदे नहीं हैं। हमने बोला आप एक काम करो, आप चाबी हमें दे दो, हम खुद बंदा खड़ा कर लेंगे जो कि सप्लाई को 1-1 घंटे के बाद चेंज कर देगा लाइन को। उन्होंने बाद में कुछ नहीं किया। हमने जब उनको बोला कि सर हमने मेंबर तैयार कर लिया, आप एक काम करो आप आओ मीटिंग कर लो तो हम कर लेते हैं इसका कुछ हल, खुद ही कर लेते हैं, वो विदाउट सैलरी के ऊपर काम करने के लिए तैयार था बंदा, बट इन्होंने कुछ नहीं किया। एक दिन पानी आता है, फिर 5वें या 6वें रोज जिस दिन हम फोन करते हैं उसी दिन पानी आता है, अदरवाइज पानी नहीं आता है। बच गई पैर मेरे।